हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। आज कान्हा गार्डन में गणपति जी विराजे हैं। गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज कान्हा गार्डन में भी गणपति जी आए हैं और प्लांट्स के चारों ओर प्लांट्स से घिरे हुए बैठे हैं। चारों तरफ प्लांट्स हैं। अभी हमने पूजा करी है गणपति के। प्रसाद के लड्डू भी अभी रखे हुए हैं यहाँ पे, बाकी प्रसाद में दे दिए गए। और ये सारे फ्लावर्स भी हमारे घर के ही हैं, हमारे गार्डन के ही हैं। हिबिस्कस और चांदनी की माला बनाई है, ये सब हमारे गार्डन के ही हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि हर साल जब भी गणपति आए हमारे घर में तो हमेशा प्लांट्स से घिरे हुए ही बैठे हैं। प्लांट्स तो आसपास उनके हमेशा ही रखती हूँ और ऐसी जगह पे बिठाती हूँ जहाँ मोस्टली सारे ही मेरे प्लांट्स प्लेस्ड हैं। थोड़ी हाइट पे करके उनको हमेशा ऐसे ही बिठाती हूँ। इको फ्रेंडली गणपति हैं, इनको मैं घर में ही विसर्जित करूँगी। अभी मैं कुछ साल से घर में ही विसर्जित कर रही हूँ। और जो उनकी विसर्जन के बाद जब घुल जाती है तो मिट्टी जो भी निकलती है उससे मैं एक नया प्लांट लगाती हूँ। एक प्लांटर में डाल देती हूँ, उस मिट्टी को हमेशा एक नया प्लांट लगाती हूँ। और मैंने बहुत सारे नए न्यू स्टैंड्स लाए थे तो गणपति के अराउंड चारों तरफ रखने के लिए प्लांट्स को। 4 स्टैंड्स हैं इसमें, हर एक में 3-3 पॉट्स आ गए हैं मेरे। ये देखिए, बहुत अच्छा सा सबने सजाया है। आज बच्चों ने घर को सजाया है। इस बार थोड़ा टाइम अच्छा नहीं है, कोरोना टाइम है तो कोई कहीं आएगा जाएगा नहीं। बस यही है, घर में गणपति आए हैं तो बस पूजा करनी है थोड़ा टाइम, नहीं तो लोगों का आना जाना होता है इस टाइम में। तो बहुत अच्छा एक फेस्टिव टाइम होता है, पर इस बार तो सारे फेस्टिवल्स सब ऐसे ही हो गए। तो हमने फिर भी गणपति तो बिठाए ही हैं, गणपति की तैयारी की है, अच्छे से सब चीजें लेके आए हैं। उन पे ये दुर्वा है, घास है, घास भी चढ़ाते हैं गणपति पे। और ये तो हमारे सारे इंडोर प्लांट्स हैं। ये जगह मेरी जो है बहुत अच्छी है, बिल्कुल ये कवर्ड है, कवर्ड एरिया है। सारे इंडोर प्लांट्स के लिए भी बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है, अच्छे से लगते हैं। और मेरे गणपति भी यहीं पे हमेशा विराजते हैं। मेरी कोशिश होती है कि यहीं पे विराजे गणपति। इस बार तो हम छोटे से गणपति लाए हैं। देखिए कितने खूबसूरत गणपति हैं। और सबने मिलके बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया है, कोशिश की है अपने से जो भी चीज़ें थी घर में, क्योंकि ज़्यादा मार्केट नहीं जाना था, कुछ चीज़ें नहीं लानी थी, तो जो भी घर में मिला उन सब से डेकोरेट किया है सबने मिलजुल के। अच्छा सा कोशिश की है कि अच्छा ही लगे। ये सारी मालाएं भी रखी थी हमारे पास पहले से ही। गणपति हर साल बिठाते हैं तो जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो रख सकते हैं वो तो 2-3 साल चल जाती हैं, उनको रख लेते हैं, उससे लगाते रहते हैं, उनको डेकोरेट करते रहते हैं। ये सब मेरे डैफिन मिर्चिया के प्लांट्स हैं, पीस ले ली। इन सबको मैंने इनके आसपास रखा हुआ है। ये सब छोटे छोटे प्लांटर्स हैं, इनसे मैंने गणपति को पूरा घेर दिया है। तो इस समय जगह काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। तो मेरा मन कर रहा मैं आपके साथ आज गणेश चतुर्थी का दिन शेयर करूं और वीडियो बनाऊं। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। और कान्हा गार्डन देखते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए।